हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और पूरे दिन की फाइनेंशियल न्यूज के साथ। तो आज अगर हम मार्केट की सबसे पहले बात करते हैं तो मार्केट पूरी तरह से आज रेट रहा, मार्केट टूटा रहा और कह सकते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स पूरे अपने जो बिकवाली थी वो नीचे गिर के रहा। तो अगर सेंसेक्स की बात करें तो 535 पॉइंट नीचे रहा और निफ्टी 159 पॉइंट नीचे रहा। यानी आज पूरी मेजर जो स्टॉक थे वो आज लगभग रेड में ही रहे, क्योंकि मार्केट उस हिसाब से जो उम्मीद थी वो नहीं हो पाया। उसके पीछे कहा जा रहा है कि कल यूएस में एक ह्यूमन ट्रायल हुआ था जो कि फेल हो गया, जिसको देख के उसका कह रहा है कि उसका एक सेंटिमेंट का इम्पैक्ट था, जो एक उम्मीद थी वो उम्मीद पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिट हुई, उसके वजह से मार्केट आज इस तरह से परफॉर्म किया। इधर यूके में ऑलरेडी ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, पहला ह्यूमन ट्रायल यूके के लिए है। वहाँ भी ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह से कोरोना वायरस का वैक्सीन ढूंढा जा सके। इधर 29 लाख जॉब एविएशन और एविएशन से जुड़ी हुई सेक्टर में जाने के खतरा मंडरा रहा है। एक एनालिसिस के एक रिपोर्ट के हिसाब से कहा जा रहा है कि लगभग 29 लाख जॉब इस सेक्टर में जा सकता है, जो एविएशन और उससे रिलेटेड जो सेगमेंट हो सकता है वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। उधर एक दूसरा रिपोर्ट ये भी आ रहा है कि $11.2 बिलियन का रेवेन्यू लॉस हुआ है इस लॉकडाउन और नॉन फ्लाइंग की वजह से एविएशन सेक्टर को। अगर आप देखें तो वर्जिन ऑलरेडी बैंकरप्सी की तरफ जा चुका है। इंडिया में भी एविएशन कंपनी की हालत अच्छी नहीं है, वहाँ पे भी लॉस और उस तरह से प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं। इधर इंडिगो ने अपनी स्ट्रैटेजिक मूव में थोड़ा सा अपने स्ट्रैटेजी में चेंज करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि पैसेंजर के अलावा वो कार्गो ऑपरेशन को बढ़ाएंगे, ताकि कार्गो का बिज़नेस ऑलरेडी एक तरह से अभी भी चल रहा है और उनका मानना है कि कार्गो के बिज़नेस ही आने वाले टाइम में उनको एक अच्छा रेवेन्यू दे सकता है। वो चाइना और मलेशिया के लिए कार्गो अपना बिज़नेस बढ़ाने के प्लानिंग में लगे हुए हैं और उसके लिए वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से उस प्लान को वह आगे बढ़ा सके। इधर रियल एस्टेट में तो ऑलरेडी हालत ठीक नहीं थी, लगभग 78,000 घर ऐसे हैं 10 शहर में जो बन के तैयार हैं लेकिन बिक नहीं पा रहे हैं। यानी कि रेडी स्टॉक हैं लेकिन उसकी जो ख़रीदार हैं वहाँ पे हैं नहीं। इसकी वजह से रियल एस्टेट की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है। कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट अभी तक की हिस्ट्री का सबसे बुरा टाइम, बुरे वक्त से गुजर रहा है। देखते हैं कि ये वक्त कब ख़त्म होता है। अभी तक के लिए तो यही कहा जाएगा कि एक अच्छी बात नहीं है रियल एस्टेट के लिए। इधर बजाज ऑटो ने औरंगाबाद का जो प्लांट था उसे रीस्टार्ट कर दिया। एक अच्छी खबर है कि बजाज ने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि बजाज अपना इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के बाद उनके जो बिज़नेस के जो प्रॉब्लम थे वो थोड़ी बहुत सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। इधर एयरटेल ने भी धमाका करने की कोशिश की है। इधर जियो ने तो ऑलरेडी धमाका कर ही रखा है। उन्होंने 401 रुपये का एक प्लान लेके आए हैं जो कि प्रीपेड प्लान है। उसमें अगर आप उस प्लान को लेते हैं तो उसमें एक साल के लिए हॉटस्टार, जो डिज्नी प्लस है हॉटस्टार, उसकी सब्सक्रिप्शन फ्री दी जा रही है। तो कहा जा सकता है कि एक तरह का कस्टमर अट्रैक्शन के लिए इस तरह के प्लान लॉन्च किए जा रहे हैं, ताकि जो कस्टमर एक्विजिशन है वहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन हो सके। इधर MTR जो फूड की कंपनी है उसने स्विगी से टाइप किया है, ताकि जो एसेंशियल आइटम है वो घर पे पहुँचाए जा सके, क्योंकि डिलीवरी कंपनी के पास डिलीवरी का बहुत बड़ा मैकेनिज़म है लेकिन आज के डेट में फूड जो रेस्टोरेंट है वो काफ़ी बंद है और उसकी वजह से उनका जो मैन पावर है, जो उनके पास फोर्स है, उनके पास भी जॉब नहीं है। तो ये एक अच्छा टाइप है कि ऑफलाइन कंपनी ऑनलाइन कंपनी से टाइप करके प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करें, जिससे कि कहा जा सकता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी क्रिएट हो जाएगा। इधर जर्मनी का एक न्यूज़ आ रहा है, इस पर बताया नहीं जा सकता क्योंकि अलग अलग एजेंसीज़ की अलग अलग रिपोर्ट आ रही है कि लगभग 130 बिलियन का बिल भेजने वाले हैं चाइना को जर्मनी गवर्नमेंट। उनका कहना है कि कोविड-19 की वजह से जो नुकसान हुआ है वो उसके लिए कहीं ना कहीं जर्मनी चाइना को जिम्मेवार मानती है और हो सकता है कि वो लोकल कोर्ट में वहाँ केस भी करें और चाइना को ये बिल भेजा जाए। ऐसे बहुत सी चाइना जो न्यूज एजेंसी है उनका मानना है कि ये बिल ऑलरेडी भेजा जा चुका है, लेकिन बहुत सी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे इस तरह के किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिल पाया। लेकिन हर जगह यही चल रहा है कि वो भेजने की प्लानिंग में, और हो सकता है कि ये बिल चाइना के लिए महंगा पड़े।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हो सकता है कि 2-3 दिन हम ये सीरीज़ नहीं लेके आएंगे, कुछ हमारी घर की परेशानियां हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जहां भी रहें हम आपके लिए ये वीडियो बना पाएँ। लेकिन हो आने वाले 3 से 4 दिन हम आपसे थोड़ी सी दूरी बना के रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग ही आप इसको कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।